कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच जो जुबानी जंग शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी की ओर से अमेठी के मैदान में स्मृति ईरानी के उतरने के बाद उनसे जुड़ा डिग्री विवाद जो सामने आया उस पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कई तरह की बातें कही और सिद्धू के वार पर स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें सिद्धू के दिखावे से कोई मतलब नहीं है। इन सब के बीच एक बार फिर से बीते कल हुए पांचवें चरण के मतदान के बाद स्मृति ईरानी को लेकर सिद्धू ने टिप्पणी कर दी है। दरअसल अमेठी के बूथ पर हो रही जबरन वोटिंग का मसला अपने ट्विटर अकाउंट पर स्मृति ईरानी ने उठाया। उसके बाद पंजाब सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं सिद्धू, उन्होंने पार्टी पर लगे इन तमाम आरोपों का खंडन करते हुए कहा, स्मृति जब चांदनी चौक की सीट से हारी 1.5 लाख वोटों से, तब भी क्या वहाँ बूथ कैप्चरिंग हुई? कैसी बातें करती हैं वो, रोतड़ू हैं रोतड़ू, रोती रहती हैं। उनकी कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलती जुलती है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।